हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ पूजा लूथरा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके मुझसे ये पूछा है कि हाथों के रिंकल्स कैसे दूर करें, हाथों को गोरा कैसे बनाएं, कैसे सॉफ्ट बनाएं, कैसे उन्हें सुंदर और मुलायम बनाएं। सो ये वीडियो आपके उन सभी कमेंट्स का जवाब है। रिंकल्स दूर करने, उन्हें गोरा बनाने, मुलायम बनाने का ये जो नुस्खा आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसके तीन स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है सोकिंग, सेकंड स्टेप है स्क्रबिंग एंड थर्ड स्टेप है मॉइस्चराइजिंग। ये जो पूरा प्रोसेस है ये हफ्ते में दो बार आपको करना है। और साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं आपको डीप स्किन मॉइस्चराइजर बनाने की रेसिपी भी दूंगी। ये मॉइस्चराइजर आपको रोज रात को सोते हुए अपने हाथों पर अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एक बाउल में ल्यूक वार्म यानी कि गुनगुना पानी लेना है। इसमें आपको डालना है 2 चम्मच बेकिंग सोडा। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप नमक भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा आप इसमें ऐड कीजिए। अच्छे से मिक्स कीजिए और अब अपने हाथों को इस पानी में आपको डिप करना है 5 to 7 मिनट्स के लिए। मैं एक ही हाथ पर ये रेमेडी यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं आपको दोनों हाथों में डिफरेंस दिखा सकूँ। बेकिंग सोडा जो हमने गर्म पानी में ऐड किया है ये आपकी डेड स्किन को सॉफ्टन करता है, क्योंकि इसके बाद जब हम स्क्रबिंग करेंगे तो आपकी डेड स्किन आसानी से निकल जाएगी। 5 मिनट्स हो चुके हैं, अब मैं हाथ को पानी से बाहर निकाल कर टावल से पोंछ लूँगी। स्क्रबिंग के लिए आपको चाहिए 2 चम्मच चीनी और आधा नींबू। नींबू के रस को आप चीनी में निचोड़ लीजिए, मिक्स कर लीजिए। अब इस नींबू और चीनी के स्क्रब को आप अपने हाथ पर अप्लाई कीजिए और दूसरे हाथ से हल्के हल्के स्क्रब कीजिए। चीनी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगी और डेड स्किन को भी रिमूव करेगी, और नींबू एक बहुत ही अच्छा स्किन ब्लीचिंग एजेंट है। ये आपकी स्किन को गोरा बनाएगा, खूबसूरत बनाएगा। तो लगभग 3 से 4 मिनट के लिए आप अपने हाथ को इस नींबू और चीनी के मिक्सचर से स्क्रब करेंगे। अब हैंड को आप वॉश कर लेंगे। मैंने हाथ को वॉश कर लिया है, अब हम मॉइस्चराइज करेंगे। चलिए जानते हैं कैसे करना है। इसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। आपको एक क्लीन बाउल में 1 चम्मच दूध डालना है और इस दूध में ऐड करना है 1 चम्मच शहद। और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। अच्छे से मिक्स कर लेंगे तीनों चीजों को। अब इस मिक्सचर को आपको अपने हाथ पर अप्लाई करना है और 5 मिनट के लिए मसाज करनी है सर्कुलर मोशन में। मसाज करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए आप इसे स्किन पर लगा रहने दीजिए और उसके बाद आप पानी से हाथ को धो लीजिए। सो इस पूरे प्रोसेस के बाद यू कैन सी माई स्किन इज ग्लोइंग और झुर्रियाँ कम हो गई हैं, सॉफ्ट फील कर रही हूँ मैं। ये देखिए फ़र्क, देखिए आप दोनों हाथों में। यू कैन ईजिली मेक आउट द डिफरेंस। कुछ कैमोफ्लेज नहीं किया है मैंने, जो है आपके सामने है। स्किन इसकी लाइट है और ये डार्क लग रही है। तो है ना, ये बहुत ही आसान नुस्खा अपने हाथों को गोरा बनाने का, मुलायम बनाने का और इनके रिंकल्स दूर करने का। क्योंकि ये प्रोसेस आपको हफ्ते में 2 बार करना है, तो डेली रात को सोते हुए आपको एक डीप स्किन मॉइस्चराइजर की रेसिपी मैं बता रही हूँ, वो आपके हाथों पर आपको लगाकर सोना है। तो चलिए जानते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स। उसका पहला इंग्रेडिएंट है 2 चम्मच नींबू का रस और हमें चाहिए ग्लिसरीन और हमें चाहिए
रोज वाटर। इसे बनाने के लिए 2 चम्मच नींबू के रस में हम ऐड करेंगे 4 चम्मच ग्लिसरीन, 2 चम्मच गुलाब जल, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये आपका डेली मॉइस्चराइजर बन गया। इसे ये देखिए, मैंने इसे बॉटल में शिफ्ट कर लिया है। रोज रात को सोते समय आपको इसकी 2-3 ड्रॉप्स लेनी है, अपने हाथों पर अप्लाई करना है इस तरीके से, और बस सो जाना है। सुबह आप अपने हैंड्स वॉश कीजिए, आपके स्किन पे रिंकल्स आएंगे ही नहीं, और अगर हैं रिंकल्स तो बहुत जल्दी दूर होने वाले हैं वो। और इस मॉइस्चराइज़र को आप अपने पैरों पर लगा सकते हैं, अपने एल्बोज़ पर लगा सकते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा डार्क हैं तो उनकी डार्कनेस दूर हो जाएगी, डलनेस दूर हो जाएगी। अगर आपका फेस ऑयली नहीं है तो आप इसे फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, आपका रंग भी निखरेगा और आपके चेहरे के दाग धब्बे भी दूर होंगे। तो ये था हाथों के रिंकल्स को दूर करने का और उन्हें सॉफ्ट बनाने का, गोरा बनाने का एक नुस्खा। आप भी इसे ट्राई कीजिए, अपने रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक के बटन पर हिट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, ताकि नए नए अपलोड्स के अपडेट्स आपको मिल सकें। एक अच्छा सा वीडियो लेकर फिर आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।